हमने लास्ट क्लास में ये एक ऐप बनाई थी, जो ग्रेड चेक करने वाली ऐप है ना, वो हमने बनाई थी लास्ट क्लास में। और हमने एक टॉपिक और कवर किया था, वो टॉपिक हमने ये कवर किया था कि अगर लॉजिकल ऑपरेटर को ना ट्रू फॉल्स चाहिए होता है, अगर इसको ट्रू फॉल्स के अलावा किसी और किस्म का डेटा हम दें तो ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, जो आपने मिस कर दिए और इसको आपने कवर करना है अपने दोस्तों के साथ बैठ के मिल के। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था कि आप लोगों की यहाँ पे ना दोस्ती होनी चाहिए, जो आपके करीब से आता है उसको मेरे ख्याल है शायद दोस्त बनाना ज़्यादा आसान होता है, वरना आपका कोई ना कोई क्लास में दोस्त होना चाहिए। ठीक है, आपका गेट टुगेदर होना चाहिए, ये नहीं कि पढ़ आ रहे हैं अकेले अकेले पढ़ाई करके घर जा रहे हैं, और बाद में भी उससे या क्लास के अलावा भी मिलें, आप बैठें डिस्कस करें। आपका ना इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाला कोई बंदा आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी डिस्कशन में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहीं नहीं है ना, तो आप डेवलपर नहीं बन सकते। आपकी जो शाम की चाय की डिस्कशन है ना, उसमें ये फेल्स होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा ना, तो वो मज़ा नहीं रहेगा फिर। फिर जो चीज़ शाम के चाय पे डिस्कस होती है ना, वही होगी आपकी ज़िंदगी में। ये सच बात बता रहा हूँ बिल्कुल मैं। अगर शाम की चाय पे बैठ के आप क्रिप्टो डिस्कस करते हैं ना, तो क्रिप्टो फिर आपकी ज़िंदगी में होगा। अगर क्रिकेट डिस्कस करते हैं तो क्रिकेट होगा, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होगा। अच्छा जी, तो आज के क्लास में क्या पढ़ा जाए ज़रा ये मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, एक बात तो वैसे तो बड़ी ऑब्वियस बात है, लेकिन वैसे ही मैं आपको चाहता हूँ कि अलग से बता दूँ मैं। ये जो इफ़ है, इसके अंदर इफ़ लग सकता है, ठीक है ना, नेस्टेड इफ़। हमने एक दफ़ा लगा के भी देखा है वो BMI वाले कैलकुलेटर में, नेस्टेड इफ़ लग सकता है। ठीक है, अच्छा, नेस्टेड की कोई लिमिट नहीं है। एक इफ़ के अंदर एक दूसरा इफ़, फिर उसके अंदर एक और इफ़, फिर उसके अंदर एक और इफ़, जितने मर्जी चाहें आप इफ़ लगा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये इफ एल्स इफ जो हमने चेन स्टेटमेंट लगाई है, ये अलग अलग भी लग सकती है। ठीक है, एक इफ होगा, वो उसका एल्स नहीं होगा कोई, फिर उसके नीचे एक और इफ होगा, फिर उसके नीचे एक और इफ होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर लॉजिक कि आप बनाना क्या चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे इस कंडीशन के अंदर ना, इन सारे कंडीशन में से कोई एक ट्रू होगा, दो ट्रू होने का क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, है ना। मिसाल के तौर पे हमने नंबर स्केल को 1 से लेके 100 तक कवर किया है इसमें, इस पूरी लॉजिक में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि इसमें से दो एक साथ ट्रू हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो गड़बड़ है, आपकी लॉजिक गलत बना दिया आपने। इसमें एक वक्त में ना कोई एक इफ ट्रू होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ और भी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल इफ ट्रू होते हैं, ठीक है ना, मल्टीपल इफ हमारे पास ट्रू हो रहे होते हैं, तो उसके लिए हम फिर इसको अलग अलग बनाते हैं, क्योंकि ये तो चेन स्टेटमेंट है। चेन स्टेटमेंट मैंने कहा था कि अगर ये वाला ट्रू हो गया तो इसके आगे वाले को ये चेक नहीं करता, है ना, इसके आगे वाले को ये मजीद फिर चेक नहीं करता। लेकिन सम टाइम अलग अलग भी हम लगा रहे होते हैं, ख़ास तौर पर वैलिडेशन के केस में, जब हम वैलिडेशन वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कहीं हमारे पास सर्वर जब हम लिख रहे होते हैं आमतौर पर, तो सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है यूज़र की तरफ से, उस रिक्वेस्ट में हम एक सर्टेन टाइप का डेटा एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा यार, एज जो होगी वो उसके अगेंस्ट एक नंबर होगा, ठीक है, नेम के अगेंस्ट एक स्ट्रिंग होगा, मिनिमम 6 डिजिट 6 कैरेक्टर होगा, मैक्सिमम 300 कैरेक्टर होगा, जो भी इस तरह की लॉजिक आपकी होगी वो हम शुरू में चेक करते हैं कि यार सारा इसके मुताबिक है या नहीं, उसको हम कहते हैं वैलिडेशन। तो उसमें आमतौर पर हमें अलग अलग लगाने की ज़रूरत पड़ती है कि कोई एक भी फेल होगा तो मल्टीपल भी उसमें से हो सकते हैं समटाइम। तो इस तरह की कई और जगहें आपके पास आएंगी, शायद वैलिडेशन इतना परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है इस चीज़ का, लेकिन कई और भी जगहें आएंगी जहाँ पर आपको मल्टीपल इफ लगाना पड़ेगा और वो अलग अलग होंगे। अच्छा, यही सेम चीज़ जो है ना, एक और भी तरीका है इफ़ के अलावा, उस तरीके से भी किया जाता है। गो के वो वाला तरीका जो है, वो ऑलमोस्ट वो सारे काम इफ़ में भी होते हैं और उसमें भी होते हैं, उसको हम कहते हैं स्विच। तो आज हम ना स्विच को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और भी अभी मुझे याद आई, एक चीज़ और भी अभी मुझे याद आई है कि हम ना लास्ट जो हमने स्क्रिप्ट जितनी भी बनाई है, कहाँ से इनपुट आउटपुट वाले जो हमने ऐप बनाई थी ना, इसमें हम इसमें ना मॉड्यूल लगाना भूल गए थे, टाइप मॉड्यूल।
हमने हम तो नए वाली पढ़ रहे हैं, ES6 वाली, ठीक है। वैसे तो ES6 बगैर मॉड्यूल के भी होता है, लेकिन ES6 में भी ना मॉड्यूल करके जब हम लगाते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बगैर मॉड्यूल के काम नहीं करती, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो मॉड्यूल लगाने से चलना भी बंद हो जाती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर अभी इसको हम चला के देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं चलता, है ना। मॉड्यूल हमने लगाया, इसको मैंने कॉपी पास्ट किया और यहाँ जाके पेस्ट किया, अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता। मैंने कहा कि भाई 5 फिट 11 इंच और 85 और कैलकुलेट, चलना बंद हो गया, सही है, ये एरर आ गया। अभी इस एरर में देखो क्या लिखा हुआ है, अनकाउच एरर, रेफरेंस एरर, कैलकुलेट बीएमआई इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है कि भाई ये जो आप करते हो ना, बोलते हो आपके ऑन सबमिट पे ये कैलकुलेट बीएमआई आप चलाओ, ये तो है ही नहीं, बना भाई नहीं, ठीक है। अच्छा, हालांकि ये बना हुआ है यहाँ पे, तो ये बोलता है नहीं बना हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि स्क्रिप्ट के अंदर जो भी आप वेरिएबल स्क्रिप्ट के टैग में बनाते हैं वो स्क्रिप्ट के टैग से बाहर अवेलेबल नहीं होता, सही है। प्राइवेसी इसके अंदर थोड़ी सी और ज़्यादा है, तो इसके अंदर करने के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे कहना होता है कि विंडो डॉट कैलकुलेट बीएमआई। अब ये इंशाल्लाह हम फंक्शन का टॉपिक पूरा पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये डिटेल में डिस्कस होगा कि ये फंक्शन होते क्या हैं। तो अभी तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन का टॉपिक हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में डिस्कस होगा कि ये फंक्शन होता क्या है। तो हमें विंडो डॉट ऐसे करके लगाना पड़ेगा कि ये वाला वेरिएबल ग्लोबल करना है, एक्सप्लिसिटली हमें बोलना पड़ता है कि इसको ग्लोबल करो, सही है। अब ये सही चलने लग जाएगा, सही है। तो मुझे अभी याद आया, सही है, बिल्कुल सेट चलने लग गया अभी। तो ये छोटी छोटी सी कुछ चीज़ें हैं जो इसके अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है। वैसे तो अब शुरू में एक दोस्त कह रहे थे पहली क्लास में कि सर ES6 तो बगैर टाइप मॉड्यूल लगाए भी चल जाता है, लेकिन टाइप मॉड्यूल जब लगाते हैं ना तो कुछ चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। वेल, तो यह हो गया। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टेकिंग इनपुट आउटपुट के बाद टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशन। अच्छा, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं है, इफ एल्स तो सेम है, ठीक है। बट इसमें भी हम क्या करेंगे, टाइप मॉड्यूल लगा देंगे, सही है। उसके बाद ग्रेड चेकिंग ऐप जो थी हमारी, ग्रेड को चेक करने वाली ऐप में भी हम लगा देंगे टाइप मॉड्यूल, ठीक है। अभी इसमें तो ऑब्वियसली हमें यूज़र से इनपुट लेना चाहिए था, बट मैंने एज्यूम कर लिया कि ये यूज़र का इनपुट है जो 70 मैंने लिखा है, ठीक है। अदरवाइज इसमें भी फॉर्म से जब आप इनपुट लेंगे तो सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होगी कि विंडो डॉट करके आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमने बनाई थी ग्रेड चेकिंग वाली ऐप। ग्रेड चेकिंग दो दो क्यों हो रहा है, अच्छा एक मैंने अभी कॉपी बनाई है ना। अच्छा, तो अब हम करने लगे हैं स्विच, ES6 स्विच स्टेटमेंट। अच्छा, हम बाकी सबों को कर देते हैं बंद और इस फाइल को खोल लेते हैं, इसको कोलैप्स कर देते हैं इन सबको। अच्छा, इसमें मैं एक हेडिंग लगा देता हूँ कि ES6 अरे क्या लिख दिया मैंने, अच्छा अच्छा तो वो ग्रेड चेकिंग वाला जो इफ एल्स था ना, वो पूरा मैं पहले तो यहाँ उठा के ले आता हूँ, बल्कि छोड़ो ग्रेड चेकिंग नहीं, हम कुछ सिंपल चीज़ कर लेते हैं इसमें। इमेजिन करो कि यूज़र के पास एक मेन्यू है, सही है, और जैसे हम IVR पे कॉल मिलाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि मेन्यू सिलेक्शन की बात आती है कि फ़लाँ चीज़ के लिए एक दबाएँ, फ़लाँ चीज़ के लिए दो दबाएँ, फ़लाँ चीज़ के लिए तीन दबाएँ। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र से इनपुट एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि भाई यूज़र इनपुट इक्वल्स टू होम, सही है। अच्छा, यहाँ पे यूज़र कुछ भी इनपुट देगा और हमारे पास, हम ये एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास चार मेन्यू हैं, होम, गैलरी, अबाउट और कॉन्टैक्ट।
ये मैंने स्विच लिखा, इसमें मैंने लिख दिया कि यूज़र का इनपुट जो भी है ना उस पर ये स्विच चलेगा, सही है। और पहला केस ये होगा कि अगर तो होम है, ठीक है, तो मैं कॉन्सोल पे ये बताऊंगा यू हैव सेलेक्टेड होम मेन्यू, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अब मेरे पास एक दूसरा केस होगा जिसमें मैं लिखूंगा कि अबाउट गैलरी, उसके बाद कॉन्टैक्ट, अबाउट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से चलता है। अच्छा, एक लास्ट में डिफ़ॉल्ट है इसके। डिफ़ॉल्ट में क्या है कि अगर इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा ना तो ये डिफ़ॉल्ट वाला चल जाएगा। यू हैव एंटर्ड इनवैलिड मेन्यू, या सेलेक्टेड या एंटर्ड, जो भी। यूज़र के पास मोस्ट प्रॉब्ली एक इनपुट बॉक्स होगा जिसमें वो टाइप कर रहा होगा, ठीक है। तो उसी केस में ये डिफ़ॉल्ट वाले पे जाएगा। अगर तो ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर रहा है वो, तब तो वो ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कि वो गलत सेलेक्ट कर पाए, ठीक है। बट स्टिल, तो इसी वजह से ये डिफ़ॉल्ट वाला पार्ट ना ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो लगा दें, चाहें तो ना लगाएं, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग ऑन द केस आपको समटाइम ये लगाना पड़ता है। अगर यूज़र इनपुट टाइप कर रहा है, फ्री टेक्स्ट है, तो फिर तो उस तरह के केस में ये आपको चाहिए होगा। अगर तो फ्री टेक्स्ट नहीं है, सिलेक्शन बॉक्स वगैरह टाइप की चीज़ है, तो उसमें ये लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है। अच्छा, अब इसमें देखो होता क्या है। यूज़र इनपुट यहाँ पे जो भी आएगा वो इसको जो है ना क्या करता है, केस वन, केस जो भी जितने भी केसेस बने हुए सबसे मैच करता है। अच्छा, और मैच करते ही अगर मिसाल के तौर पर ये पहले वाले से मैच हो जाएगा तो वो इसके अंदर का जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना उसको चलाना शुरू कर देता है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ एक लाइन का कॉन्सोल लिखा है, बट ये दो तीन लाइन चार लाइन का कोई भी जावास्क्रिप्ट कोड हो सकता है, जैसा कि इफ की बॉडी में होता था, ठीक है। अच्छा, वो लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के बाद ये ब्रेक का कीवर्ड लगा हुआ है। ब्रेक के कीवर्ड से क्या होता है कि जो भी ब्लॉक ऑफ कोड होता है ना, ब्रैकेट होती है, ये कर्ली ब्रैकेट जो है, ये कर्ली ब्रैकेट ना इसको ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं हम, तो इस स्कोप से मुझे बाहर निकाल देता है ये। तो अभी हमारे केस में क्या होगा, इस वाले पे ये हिट हो जाएगा कि हाँ भाई होम एंटर किया यूज़र ने, क्योंकि हम मुझे पता है होम एंटर हुआ है। ये वाला कॉन्सोल की लाइन चलेगी, उसके बाद क्या होगा, ये वाला ब्रेक चल जाएगा। ये जैसे ही ब्रेक चलेगा मेरा जो कंट्रोल है ना वो उठ के यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अब इमेजिन करो बंदे ने कुछ और एंटर किया, गैलरी एंटर किया बंदे ने, तो वो स्विच स्टेटमेंट देखेगा यहाँ पे जो भी मैंने यूज़र का इनपुट का वेरिएबल लिखा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद इससे चेक करेगा, नहीं होगा, फिर ये इससे चेक करेगा, हिट हो जाएगा यहाँ। जैसे हिट होगा ये कॉन्सोल चलेगा, उसके बाद ब्रेक का कीवर्ड जैसे ही वो देखेगा वो क्या होगा, वो इधर आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक का कीवर्ड ना लगाऊँ तो क्या होगा, तो ये वाला कॉन्सोल भी आ जाएगा और ये वाला कॉन्सोल भी आ जाएगा, दोनों कॉन्सोल आ जाएंगे, उसके बाद ये ब्रेक होगा। हाँ, मतलब गैलरी मैच हो गया ना तो यहाँ से ये एंटर हो जाता है, फिर एंटर हो जाता है और ये एंटर फिर आखिर तक, अगर ब्रेक ना लगाऊँ मैं तो फिर आखिर तक चल जाएगा ये, ठीक है। तो मुझे हर केस के बाद ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल इसको अभी सीधे तरीके से ये चला के ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं। हमारे पास यूज़र ने एंटर किया हुआ है गैलरी, तो हमारे पास ये वाला कॉन्सोल आ जाना चाहिए, सही है। अच्छा, ठीक है, यू हैव सेलेक्टेड गैलरी मेन्यू, ये मेरे पास यहाँ पे कॉन्सोल पे आ गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल जी से गैलरी लिख दूँ तो ये इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल जी और स्मॉल जी अलग अलग होते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो सब केस सेंसिटिव होती हैं, तो इस वजह से ये इस गैलरी से मैच नहीं करेगा। अच्छा, बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि स्मॉल जी से भी गैलरी हो तो भी इस पे हिट हो जाए, और अगर कैपिटल जी से हो तो भी हिट हो जाए, जितने लोग जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग पहले से पढ़ी हुई है,
यूनिवर्सिटीज़ के तालब इलमों अपनी यूनिवर्सिटीज़ का नाम रोशन करने का मौका यही है। अच्छा, ये स्विच केस, स्विच स्टेटमेंट जो है ना, ये भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है। ये मैंने जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज तक देखी ना, सब में ये होता है और इसी तरह होता है एग्जैक्टली। ठीक है, सी लैंग्वेज में बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है। लॉजिक को लॉजिकल ऑपरेटर वो तो आप बताएंगे ना कि यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। नहीं, आमतौर पे वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगा सकते, इधर नहीं लगा सकते लॉजिकल ऑपरेटर, ऑप्शन नहीं है ये। हाँ, क्या कह रहे थे तुम, दोबारा बोलो। नहीं, वो तो एंकर टैग के क्लिक से जा रहे हैं ना अभी तो फिलहाल। हम ये मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल बताई है, ये जस्ट इफ एल्स वाला काम हो रहा है ना। अगर मैं सेम चीज इफ एल्स से करूंगा ये वाला, तो मैं कैसे करूंगा वो। यहाँ पे इफ एल्स से भी कर लेते हैं ना सेम चीज। मैंने कहा इफ यूजर इनपुट इक्वल्स इक्वल्स होम, जस्ट लाइक दैट ना। और इस पर मैं ये कॉन्सोल लगा दूंगा होम वाला, ठीक है। एल्स इफ जो सेकंड वाली चीज है गैलरी, गैलरी, तो अगर गैलरी पे ठीक आ गया तो मैं ये कॉन्सोल लगा दूंगा गैलरी वाला, है ना, जस्ट लाइक दैट। ये सेम चीज मैंने इफ एल्स से लिख दी है। अब जो जो काम इफ एल्स से कर सकते हो ना, यानी जैसे इफ एल्स में ये पहले से हमने समझा हुआ इफ एल्स को बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इसलिए मैंने कंपैरिजन के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए ये भी इफ एल्स से भी लिख दिया इसको, और यही चीज स्विच केस से भी लिख दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये था, यहाँ पे कॉमा लगा के ऐसे और कैपिटल जी से गैलरी लिख दो। अच्छा, देख लेते हैं फिर आके। एक मिनट, कैपिटल जी है ना, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे एक दफ़ा तो ये चलेगा क्योंकि ये फेल्स भी कमेंट तो नहीं हुआ हुआ, ये भी चल रहा है। और उसके बाद जब ये यहाँ आएगा तो देखते हैं कि ये हिट होता है कि नहीं होता। तो ये पहला वाला जो था वो तो आ गया ए फेल्स में से इनवैलिड, और ये सेकंड वाला जो था वो आ गया स्विच केस में से यू हैव सेलेक्टेड गैलरी मेन्यू। ठीक है, तो ऐसे कॉमा कॉमा करके आप दे सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा, इसी को देने का एक तरीका और भी है, आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके भी दे सकते हैं कि एक केस गैलरी और इस केस गैलरी दोनों के सूरत में ये चलाना है। सही है, इस इफ वाले को मैं ज़रा रोक रहा हूँ कि ये ना डबल डबल आ रहा है तो वो समझ नहीं आ रहा। सही है, तो ये यू हैव सेलेक्टेड गैलरी मेन्यू, उसको पता चल गया। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये है कि गैलरी का जी सिर्फ कैपिटल हुआ है, लेकिन मिसाल के तौर पर किसी ने ई कैपिटल कर दिया दरमियान का कोई लेटर, तो फिर। अच्छा, पहले तो ये बताओ ये इफ़ में कैसे होगा ये काम, ये पहले तो इफ़ में कैसे होगा ये काम। ये तो कैपिटल जी है ना, चलो एक और कैपिटल जी लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि और ऐसे करके यहाँ पे मैंने कैपिटल जी कर दिया, है ना, कि भाई अगर ये ट्रू हो जाए या तो ये ट्रू हो जाए तो मैंने कर दिया,
अब अगर बीच का किसी ने कैरेक्टर कोई छोटा बड़ा कर दिया, तो फिर इफ में कैसे होगा और स्विच में कैसे होगा, दोनों बताओ। हाँ भाई, यूनिवर्सिटियों के तालबे इल्मों इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा मैं जब कोई सवाल पूछता हूँ तो आप गूगल कर सकते हैं उसको, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना, गूगल से आप हेल्प लेके जवाब दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मतलब मुँह तो बनी बताओ समझ रहे हो ना बात। यूजर इनपुट डॉट टू लोअर केस और ऐसे करके ये फंक्शन है, ये क्या करता है, ये रिटर्न करता है इसी स्ट्रिंग का लोअर केस फॉर्म। ठीक है, अब बीच में जो भी छोटा लिखा हो, बड़ा लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, वो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, क्योंकि ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है, ठीक है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है, ये बस रिटर्न करता है। और आपने पकड़ना है किसी वेरिएबल में तो आप पकड़ लो, नहीं पकड़ोगे तो वो उड़ जाएगा, हवा में ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं यहाँ पर अगर इमेजिन कर लो कि ये लिखूँ टू और प्लस टू, ठीक है, तो ये एरर तो नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट ये फोर रिटर्न करेगा यहाँ पे। अच्छा, लेकिन वो मैंने किसी वेरिएबल में नहीं पकड़ा तो वो हवा में गुम हो जाएगा, है ना। इसको चला के देखते हैं, कुछ भी नहीं होगा, फोर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ आएगा, सही है ना, किसी वेरिएबल में ये सेव होगा तो ये हवा में गुम हो जाएगा। अगर कोई रिटर्न वैल्यू मैंने नहीं पकड़ी किसी वेरिएबल में तो वो या तो फौरी तौर पर मैं इसको यहीं पर कॉन्सोल करा दूँ, कॉन्सोल डॉट लॉग लिखूँ मैं, और इसको यहीं पे मैंने 2 प्लस 2 लिखा ना, यहीं पे 4 रिटर्न होगा, कंसोल पे लिखा हुआ जाएगा, ये मैंने कंसोल पे देखो लिखा हुआ गया। बट अगर मैं उसको पकड़ता नहीं हूँ या कंसोल नहीं कराता तो वो हवा में घूम जाएगी वैल्यू। अच्छा, तो अब मैंने क्या करना है, मैंने कहना यूज़र इनपुट के अंदर ही क्या कर दो, दोबारा यूज़र इनपुट डॉट टू लोअर केस करके डाल दो, सही है। लोकल लोअर केस नहीं, सिर्फ लोअर केस, लोकल लोअर केस जो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाना। अच्छा, टू लोअर केस करके मैंने क्या कर दिया, इसी वेरिएबल में वापस डाल दिया, तो अब ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू थी पहले से वो ख़त्म हो गई और उसमें लोअर केस वाला वर्जन आ गया उसका। अच्छा, अब मुझे ये एंड और लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और ना ही यहाँ पर मुझे दो केस लगाने की ज़रूरत, ठीक है। लेकिन स्टिल बताना मकसद ये था कि यहाँ पे दो केसेस भी हम दे सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो चीज़ मैंने इस्तेमाल की है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग मेथड, सही है। स्ट्रिंग का वेरिएबल तो हमने पढ़ लिया, साथ साथ हमें स्ट्रिंग का मेथड भी पढ़ना था उसी टाइम, बट ये बहुत सिंपल सी चीज़ है यार, तो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स में ये कहाँ पर है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड, सही है। अच्छा, तो ये W3 स्कूल पे भी एक मेथड की एक लिस्ट बनी हुई है, ये तमाम स्ट्रिंग के मेथड हैं, ठीक है। स्लाइस है, सब स्ट्रिंग है, सब str है, रिप्लेस है, ठीक है। डॉट लेंथ है, लेंथ क्या करता है, स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है वो गिन के बता देता है। कॉनकैट है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के काम आता है, ठीक है। रिप्लेस है कि वो एक आप देते हैं कि इस चीज़ को फाइंड करो और रिप्लेस कर दो इस कैरेक्टर से, ठीक है। अपर केस और लोअर केस नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। एक होता है ट्रिम, ट्रिम क्या करता है कि अगर शुरू में या आखिर में कोई वाइट स्पेस होता है तो उसको हटा देता है, ठीक है, ट्रिम कर देता है। ट्रिम वैसे ट्रिमर पता है ना, ट्रिमर किस चीज़ को कहते हैं, जो अब चेहरे में जो रोआ होता है बारीक बारीक, उसको काटने के लिए एक मशीन होती है छोटी सी, है ना, वो ट्रिमर होता है। वो बिल्कुल वो फील नहीं होता कि मतलब पहले भी कुछ था, ये फील नहीं होता, और वो ट्रिमर चलाने के बाद भी कोई इतना ख़ास फील नहीं आता कि बंदा, हाँ बंदा थोड़ा लेकिन गोरा गोरा लगता है, है ना। तो ये ट्रिम इसीलिए नाम रखा है कि वो बारीक बारीक अगर रोआ है ना, अगर चेहरे पे स्ट्रिंग है, यानी कि शुरू में या आखिर में अगर कोई वाइट स्पेस है तो वो पहले भी दिख थोड़ा ही रहा होता है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, तो वो उसको ट्रिम करके लेकिन ये क्लियर कर देता है। अच्छा, ट्रिम स्टार्ट ट्रिम एंड, ये नाम से जाहिर है कि ये दोनों तरफ से ट्रिम करता है, ये स्टार्ट से करेगा, ये एंड से करेगा, ठीक है, चला के देख लेना। अच्छा, पैड स्टार्ट पता नहीं क्या होता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। चार एट
कैरेक्टर को तलाश करने के काम आता है, चार कोड ऐड भी कैरेक्टर को तलाश करने के काम आता है, स्प्लिट उसको बीच से काट के दो करेगा, ठीक है। तो अच्छा, चार ऐड हम करते हैं कि यार इसमें इंडेक्स पास करते हैं, मैं कहूँगा कि चार ऐड और थ्री, अगर अभी आ जाते हैं ना नीचे, चार ऐड यहाँ पे बताया होगा इन्होंने, चार ऐड को ना हम पोजीशन देते हैं कि वन टू थ्री फोर जो भी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसमें ये बात लिखी हुई है ना पूरी, तो मैं लिखूँगा टेक्स्ट डॉट चार ऐड ज़ीरो, तो चार ऐड ज़ीरो मुझे क्या दे देगा, ये एच उठा के दे देगा, सही है, जो भी पहला कैरेक्टर होगा। सब स्ट्रिंग कुछ और करता है, सब स्ट्रिंग अभी उसको भी देख लेते हैं वो क्या करता है, ये एच उठा के दे देगा आपको। समटाइम आपको ये चेक करना होता है ना कि अच्छा यार मेरे पास जो भी इनपुट आया है उसमें नंबर थ्री पे कौन सा कैरेक्टर है, सही है, नंबर थ्री पे कौन सा कैरेक्टर है। मिसाल के तौर पे एक यूआरएल है, अब वो यूआरएल वैलिड है या नहीं है तो उसके शुरू के छः कैरेक्टर उठा के ये बताया जा सकता है, ठीक है ना, कि उसमें https होगा और कॉलन होगा और स्लैश स्लैश होगा। अच्छा, बट मैं पूरा नहीं करना चाह रहा, मैं ये सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि कॉलन स्लैश स्लैश उसमें है या नहीं है, तो मैं वो नंबर लिखूँगा कि https और सिक्स नंबर कैरेक्टर जो है उसके अंदर वो कॉलन होना चाहिए। तो सिक्स की जगह मैं सिक्स कैरेक्टर को उठाने के लिए क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं फाइव लिखूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि ज़ीरो बेस चल रहा है, ये फाइव लिखूँगा, मुझे वो कैरेक्टर मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये काफ़ी यूज़फुल रहता है इस तरह की चीज़ों के लिए। वैसे तो URL को इस तरह से हम नहीं करते, ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा था, URL को हम रेगुलर एक्सप्रेशन के ज़रिए पता लगाते हैं कि ये वैलिड URL है या नहीं है, क्योंकि इफ़ कंडीशन से काम नहीं चलता, मल्टीपल इफ़ चाहिए होता है, बीच में कोई वाइट स्पेस भी नहीं होना चाहिए ना URL के, वरना वो इनवैलिड हो जाता है, कई और भी वजह से हो जाता है, तो उसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन से करते हैं। तो ये एक आपके पास आ गया, हाँ एक कैरेक्टर उठाएगा, एक वक्त में एक उठाएगा, ठीक है। इसको लूप चला के भी हम यूज़ करते हैं कि वो बारी बारी पूरा शुरू से आखिर तक उठाता है, इस तरह भी कर सकते हैं। स्टिल ये टूल्स हैं जिससे हम फेमिलियर हो रहे हैं कि अच्छा ये हो सकता है। आपको कभी कोई चीज़ चेक करनी होगी ना, मतलब इस तरह की कोई चीज़ आपको चेक करना, तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अच्छा यार कोई एक टूल होता है जिससे पूरे स्ट्रिंग में ना जितने नंबर वाले कैरेक्टर भी चाहिए हो मैं उठा सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने कोई, आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू आई है, आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें क्या 10 से ज़्यादा कैरेक्टर है, तो आप वो कैसे चेक करेंगे बताओ, लेंथ निकालेंगे उसकी, लेंथ में एग्जैक्टली वो नंबर बता देगा आपको, ठीक है। अच्छा, या इस सिर्फ ये चेक करना है कि अगर 10 से ज़्यादा है या कम है, तो इससे भी कर सकते हैं आप, कि अगर सिर्फ मुझे ये चेक करना हो ना कि 10 से ज़्यादा है या कम है, तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, मैं उठाऊंगा, मैं लिखूंगा 9 इंडेक्स जो है वो मैं उठाऊंगा, तो 9 इंडेक्स अगर मौजूद होगा तो सही है, अदरवाइज मुझे अनडिफाइंड मिलेगा या -1 मिलेगा, जो भी ये देता है वो देख लीजिएगा ये क्या देता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ होगा कि अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है, ट्राई इट योरसेल्फ का भी बटन है, दबा के देख लेते हैं। तो इसने लिखा हुआ 0, मैंने लिखा 200 और 200 लिख के मैंने रन किया, ऐसे क्योंकि इसने वो कॉन्सोल नहीं करवाया हुआ तो अनडिफाइन स्क्रीन पे प्रिंट नहीं होता, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो अनडिफाइन या नल या इस तरह की कोई वैल्यू मिल रही है इसमें। तो मुझे अगर सिर्फ ये चेक करना है कि सर्टेन नंबर से ज़्यादा या कम तो नहीं है, तो मैं 10वां या 11वां कैरेक्टर उठा के भी ये पता लगा सकता हूँ, जस्ट इन केस, वैसे तो लेंथ से पता चल जाएगा। अच्छा, चार कोड ऐड जो है वो क्या करता है, इसको भी हम पोजिशन देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ना चार कोड ऐड पोजीशन 0 दिया, तो H मिल रहा है मुझे यहाँ पे, बट ये H का कैरेक्टर नहीं देगा, एक मुझे न्यूमेरिक वैल्यू देगा ये, और वो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी H का ASCII कोड, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हर स्ट्रिंग वैल्यू का या हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है, कंप्यूटर तो ये स्ट्रिंग थोड़ी समझता है, इसको इसीलिए स्ट्रिंग कहते हैं कि कंप्यूटर को ये नहीं पता कि एच क्या है, कंप्यूटर को एक सिंबल पता है बस एच कुछ है, इसके पीछे असल में एक नंबर होता है, कैपिटल ए जो है वो 65 होता है, फिर कैपिटल बी 66, फिर ऑनवर्ड्स चलता है वो, और स्मॉल लेटर का ए होता है 97,
फिर स्मॉल लेटर का भी होता है 98 और ऑनवर्ड्स चलता है 122 पे जाके स्मॉल लेटर का जेड आता है, ठीक है। इसी तरह स्पेस होता है वो शायद 32 होता है, वो पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है। UTF 16 इनकोडिंग इस्तेमाल होती है, तो UTF 16 के अंदर जो है ना वो पूरे जितने भी कैरेक्टर UTF 16 में हैं उन सब का कोड एक होता है कोई ना कोई, तो वो कोड आपको मिल जाता है कि भाई एंटर का भी एक कोड होता है, एस्केप की का भी होता है, बैक स्पेस का भी, जितने भी कीज होती हैं, जितनी भी स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं उन सब का कोई ना कोई कोड होता है, तो वो कोड आपको ये देता है। तो सम टाइम ये काफ़ी यूज़फुल रहता है कि आपको बजाय कैरेक्टर मिलने के वो कोड मिल जाए। अच्छा जी, जो चार एट वाला जो सीन था वो इस तरह से भी हो जाता है कि ये एक स्ट्रिंग है टेक्स्ट, आपने इसका ज़ीरो उठाना है तो आप ऐसे ज़ीरो लिखते हैं तो भी आ जाता है, ज़ीरो उठ के आ जाता है, सही है। अच्छा, तो ये स्ट्रिंग के मेथड्स हैं। यहाँ पे जो मेथड लिखे हुए ना इसके अलावा और भी होते हैं, ये क्योंकि W3 SQL थोड़ा बेसिक है ना तो ये हर चीज़ नहीं बताई हुई इसने यहाँ पे, तो इसको जाके ना ज़रा हम MDN पे भी एक नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। ये MDN के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, इसमें ना ये देखें ये मेथड्स हैं सारे, ठीक है। अब ये लाइन से सारे लिखे हुए हैं, ऐड है, बिग है, ब्लिंक है, बोल्ड है, ये सारे इसके मेथड्स हैं। कुछ पे देखो डिलीट का बटन बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ख़त्म हो चुका है, ES6 में नहीं है ये, ठीक है। अब इसमें वो वाले भी सारे आएंगे, ये देख रहे हो कितने सारे कैरेक्टर्स हैं, देखो रिप्लेस आ गया इसके अंदर, ये जो W3 स्कूल पे रिप्लेस लिखा हुआ था, ठीक है। स्लाइस आ गया, स्प्लिट आ गया इसके अंदर, ठीक है। सब स्ट्रिंग आ गया, ये टू लोअर केस वगैरह आ गया, टू स्ट्रिंग आ गया। तो ये वो ज़ाहिर है ये डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है MDN वाला, ये बेसिक नहीं है, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा एक्सपर्ट तक है। तो ये सारे मेथड्स हैं, इनको ज़रा एक नज़र देख लीजिएगा, और ये क्विज़ में भी आएगा क्योंकि बुक में भी आपका जिक्र है इसका ना, स्ट्रिंग के किसी चैप्टर में भी आएगा वो आगे जाके। तो अच्छा, इसी तरह नंबर के भी मेथड्स होते हैं कुछ, जो नंबर टाइप का वेरिएबल होता है उस पर डॉट लगा के ना, तो अब ज़रा यहाँ पे गूगल पे आके हम लिख लेते हैं कि नंबर के मेथड्स। ठीक है, नंबर के मेथड ज़रा देख लो क्या क्या है। नंबर का टू स्ट्रिंग, टू एक्सपोनेंशियल, टू फिक्स, टू फिक्स तो हम यूज़ भी कर चुके हैं एक दफ़ा, टू प्रिसिशन वैल्यू ऑफ, ये सारे उसके मेथड्स हैं। अच्छा, इसको हम MDN पे ज़रा देखेंगे तो MDN पे थोड़ा डिटेल्ड मुझे मिलता है वर्जन, ठीक है। अच्छा, ये रहा इज़ फाइनाइट, इज़ इंटीजर, इज़ NaN, ये सारा है। इज़ NaN क्या बताएगा कि ये नंबर ही है वैल्यू या कुछ और तो नहीं है कहीं, हमने बनाया था नंबर, बंदे ने लेकिन सामने से 20 लिखा लेकिन स्ट्रिंग में लिख के दे दिया, तो जब तक उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना ये इज़ NaN ट्रू आता रहेगा, कि अगर इसके साथ कोई कैलकुलेशन हुई तो ये NaN हो जाएगा। अच्छा, इज़ से ये जाहिर है कि ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता होगा, है ना, हमने ये डिस्कस किया था कि इज़ किस पे लगाते हैं, वो ट्रू फॉल्स वाला जहाँ पे मंजर होता है, तो इज़ NaN या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा, ठीक है। पार्स फ्लोट, पार्स इंटीजर, पार्स इंटीजर भी हमने करके देखा हुआ है जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करता। इज सेफ इंटीजर ये होता है कि जाहिर है इंटीजर का एक साइज है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो क्या ये उस साइज के अंदर अंदर है या उससे ज़्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेफ इंटीजर। हाँ, पार्स फ्लोट ये होता है कि जो पॉइंट वाले नंबर है ना उसको फ्लोट कहते हैं, तो कोई भी वैल्यू है उसके ऊपर जब आप पार्स इंटीजर लगाते हो तो पॉइंट को वो ओमिट कर देता है, बट पार्स फ्लोट लगाने से वो पॉइंट को रहने देता है, ठीक है। अच्छा, एक दरमियानी भी है जो कैपिटल एन से नंबर है, वो एक ग्लोबल मेथड है, ग्लोबल फंक्शन है एक तरह का, वो तो वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमें पता होता है यार हमेशा फ्लोट ही आएगा नंबर, कुछ केसेस में हमें पता होता है कि हमेशा फ्लोट होगा, जैसे अकाउंट का बैलेंस होता है वो हमेशा फ्लोट में होगा, अगर 00 भी है ना पॉइंट के बाद तो मुझे वो 00 दिखाना है, तो उसको फिर हमेशा मैं पार्स फ्लोट करता हूँ, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन योर केस ये सारे मेथड आपके पास अवेलेबल हैं। तो हमने देखा कि स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, नंबर के मेथड्स होते हैं, ठीक है, गो के वो सारा काम जो ये मेथड से कर रहे हैं वो हम बगैर मेथड के फेल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके मेथड होते हैं तो ईजी हो जाता है ताकि काम। तो अच्छा,
एक और भी डेटा टाइप है अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, वो एरे और ऑब्जेक्ट, उनका भी फिर मेथड होता है, उसके भी मेथड्स को हम इस्तेमाल करते होते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, नंबर, नंबर के मेथड देख लिए, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के मेथड देख लिए, बूलियन, बूलियन के मेरा ख्याल है कि कोई मेथड तो नहीं होते लेकिन शायद होते भी हों। बूलियन के ज़रा देख लेते हैं कोई मेथड होते हैं क्या। अच्छा, बूलियन के दो मेथड हैं, सही है, बूलियन के भी दो मेथड हैं, एक है टू स्ट्रिंग और एक है वैल्यू ऑफ, और कंस्ट्रक्टर इसका कैपिटल डी से बूलियन है, कि किसी चीज़ को अगर मुझे पता नहीं है कि ये बूलियन है बट मैंने कन्वर्ट करना है, जो हम कह रहे थे ना पार्स करता है जो जावास्क्रिप्ट खुद से, बट मेरे पास कोई स्ट्रिंग आया है मैंने उसको बूलियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस कैपिटल बी बूलियन से करता हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे कि गैलरी है ना, इस गैलरी को मैंने बूलियन में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, बूलियन, और ऐसे करके मैं इसको यूज़र इनपुट दे दूंगा, तो ये इतना पार्ट क्या रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स, अभी के केस में ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये थोड़े मेथड्स की बात निकल आई थी, तो मैंने कहा यार ये मेथड का जिक्र हो जाए, हम वापस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि है स्विच। अच्छा, अब कौन मुझे बताएगा कि ये तो इक्वल इक्वल्स वाला काम तो ये हो गया स्विच के ज़रिए, ये मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूँ जो यूनिवर्सिटी में पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग जिनको आती है, काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग आती है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है मैंने पहली क्लास में पूछा था आप लोगों से कि कितने लोगों को प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत आती है, तो काफ़ी लोगों ने हाथ खड़ा किया था। तो अब ज़रा मुझे कोई ये बताए, इसको तो मैं कमेंट कर देता हूँ, सही है, इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, और इसमें मैं ले आता हूँ जो कल हमने ऐप बनाई थी ना, उसका कोड पूरा का पूरा उठा के ले आता हूँ। अब ये वाला काम जो है ना, मुझे एग्जैक्टली सेम यही काम स्विच से अगर करना हो तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, पहले वाले में ये चेक हो, दूसरे वाले में ये बात चेक हो, तीसरे वाले में ये वाली बात चेक हो जाए, चौथे वाले में ये वाली बात चेक हो जाए, पांचवे में ये बात चेक हो जाए, ऐसे। अब मुझे ये चीज़, इसको एग्जैक्टली इस चीज़ को ना मैंने स्विच स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, बताओ कैसे होगा। अच्छा, एक बात भाई दवे, इससे पहले अब सवाल यहाँ पे ये आना चाहिए ना कि भाई जब ये फैल से काम हो रहा है तो मैं इसको स्विच में कन्वर्ट ही क्यों करूँ इन द फर्स्ट प्लेस। अच्छा, तो ये एक मैं बात उससे पहले बता दूँ कि इफ एल्स जो है ना, इन थ्योरी इफ एल्स थोड़ा स्लो है और स्विच थोड़ा फास्ट है इन थ्योरी, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के प्रैक्टिकल केस में ना, तो ब्राउज़र टू ब्राउज़र ये चीज़ वेरी करती है, जैसा कि अगर आप सफारी के ब्राउज़र पे अगर हैं तो मैंने उसमें ये नोटिस किया है बेंचमार्क चला के कि उसमें ना इफ एल्स ज़्यादा तेज़ है, लेकिन गूगल क्रोम में जो है वो स्विच थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ है, बट इतना तेज़ नहीं है, मतलब अगर स्कोर आ रहा है ना 55,800 स्कोर आ रहा है, तो स्विच का जो है ना 55,850 आ रहा है स्विच का, तो बहुत माइनर सा तेज़ है, फास्ट है क्रोम ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। जस्ट मैं एक इमेजिनरी वैल्यू बता रहा हूँ डिफरेंस समझाने के लिए कि कितना डिफरेंस है, तो थोड़ा सा तेज़ है स्विच, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये तेज़ कैसे है भाई। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक इनपुट मिलता है इसको, ये वाला, इसने चेक किया नहीं ट्रू हुआ, अगले वाले को चेक किया नहीं ट्रू हुआ, इस अगले वाले को चेक किया ट्रू हो गया, ये लाइन इसने चला दी, दैट्स इट। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यही तीन, मतलब यही तीसरा वाला इनपुट अगर कॉन्टैक्ट के अंदर होता है तो कॉन्टैक्ट जल्दी चला देगा उसको, एज कम्पेयर टू इफ स्टेटमेंट के। हाँ, ब्रेक बाहर तो निकालता है, लेकिन वो तो हिट तो पहले हो रहा है ना भाई, अगर वो बाहर जल्दी निकालने का केस नहीं है, वो तो वैसे भी इसमें भी अगर नंबर थ्री वाला ट्रू हो गया तो वो बाकियों को चेक थोड़ी करेगा, वो तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, तो सेम चीज़ है वो तो। अब इसमें भी यहाँ पे ब्रेक अगर तीसरे वाले पे हिट होता है और ये ब्रेक कॉल होता है तो वो डायरेक्ट फिर इधर आ जाएगा, तो ये तो चीज़ दोनों में सेम है काइंड ऑफ। अच्छा, तो अगर एक एक करके कंपैरिजन कर रहा है ये भी और वो भी, तो ये दोनों फिर इक्वल हो जाने चाहिए थे, तो किसी को ये वाली थ्योरी पता है तो वो प्लीज़ शेयर करें। वो तो मैंने बताया ना आपको कि अगर मैं ये वाला ब्रेक हटा देता हूँ
तो ये गैलरी हिट होता ही ना, ये कॉन्सोल भी आ जाएगा, ये कॉन्सोल वो हटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा यहाँ पे, वो तो मैंने आपसे कर दिया जिक्र। कोई है जो मुझे ये थ्योरी इसकी बता सके कि स्विच स्टेटमेंट क्यों तेज होता है? जोर से बोलना पड़ेगा, आपको आवाज नहीं आ रही। तुम्हारी आवाज ही नहीं आई मुझे। अच्छा, नहीं, इन्होंने ये कहा है कि स्विच स्टेटमेंट में सिर्फ इक्वालिटी चेक कर रहा होता है वो, तो शायद इस वजह से ज़्यादा फास्ट है, मे बी। मतलब अभी फ़िलहाल के लिए तो इसमें भी मैं इक्वालिटी ही चेक कर रहा हूँ सिर्फ, सही है, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इक्वालिटी चेक कर रहा हूँ। अब ये भी मेरा एक सवाल है कि क्या स्विच केस में इसके अलावा कुछ हो सकता है इक्वालिटी? मिसाल के तौर पर मुझे इसमें एंड और का ऑपरेटर लगाना है, अगर क्या वो हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जी दोस्त, नहीं, बार बार क्या होती है, इंक्रीमेंट हो रहा होता है, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। थोड़ा यार खड़े होकर ज़रा ज़ोर से तो बोलो। बिल्कुल सही बता दिया यार इन्होंने, बैठ जाओ, बिल्कुल सही बता दिया। ये इन्होंने ये जवाब दिया है कि इफ़ एल्स में क्या होता है कि आप ना, मिसाल के तौर पे ये कोड एक दफ़ा चला, एक दफ़ा चल के ख़त्म हो गया, तो फिर ये अगली दफ़ा भी जब चलेगा ना इवन, तो ये क्या करेगा, ये भूल जाता है कि ये यूज़र इनपुट क्या था और ये होम क्या था, ये भूल जाता है, ये याद नहीं रखता इस चीज़ को, सही है। तो यूज़र इनपुट इक्वल्स होम ना, ये दोबारा से चेक करेगा, और ये हर दफ़ा ये चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा हर दफ़ा। अच्छा, ऑन अदर एंड स्विच केस में ना ऐसा नहीं होता है। स्विच केस में ये होता है कि इसको एक बार ये यूज़र का इनपुट मिला ना जब, तो इसने क्या किया हुआ होता है कि पहले से ही ना इन चारों का एक मैप बनाया हुआ होता है पहले से ही। यानी कोड जब पहली दफ़ा चलेगा ना, उससे भी पहले कि जितने पॉसिबल केसेस जितने भी हैं उन सब का एक मैप बना लेता है ये, और जब इसको यूज़र इनपुट में अगर मिलता है ना होम, तो ये सीधा होम पे आता है। अगर यूज़र इनपुट में मिलता है कॉन्टैक्ट, तो ये दो को चेक नहीं करेगा शुरू को, ये सीधा कॉन्टैक्ट पे आएगा तीसरे पे, तो इसलिए ये फास्ट है। अच्छा, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं हज़ारों की तादाद में, तो वहाँ पे फिर स्विच स्टेटमेंट ज़्यादा कंसिडरेबल समझा जाता है। अच्छा, तो अब लेकिन स्विच केस भी उस केस में कंसिडरेबल होगा कि जब बहुत दफ़ा वो कंडीशन चलनी है। अगर वो कंडीशन बहुत रेयरली कभी एक बार चलेगी, तो फिर स्विच स्टेटमेंट का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट ओवरहेड बन जाता है, सही है। ये प्री प्रोसेसिंग ज़्यादा करता है और बाद में आपका कोड जल्दी जल्दी चलाता है। इफ़ एल्स के केस में अलग है, इफ़ एल्स के केस में ये प्री प्रोसेसिंग कोई नहीं करता, जब कोड आएगा जब ही चलेगा सब कुछ, और हर दफ़ा पूरा चलेगा शुरू से आखिर तक। हाँ हाँ, तो स्विच केस जो है ना थ्योरी में थ्योरेटिकली थोड़ा सा फास्ट है इसकी वजह से, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ नहीं आई? अरे भाई, इतना ब्लैंक क्यों बैठे हुए हो आज सबके सब यार? कोई मसला तो नहीं है, खाना वाना खा के नहीं आए, कोई ऐसा इशू तो नहीं है? हाँ, ये तो सही बात, हमें गर्मी लग रही है।
इफ एल्स लोग क्यों हैं ये नहीं समझ आया। देखो वो दोबारा रिपीट करता हूँ, जब इसको यूज़र इनपुट मिलेगा ना तो ये पहले से कोई प्रोसेसिंग नहीं की हुई होती इसमें, ये डायरेक्ट आएगा यूज़र इनपुट इक्वल्स होम को ये प्रोसेसर पे ले जा कर चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा नहीं अगर ट्रू होता ही है तो फिर इस पर आएगा, ये फिर इस पर आएगा, फिर तीसरा वाला चौथा वाला ट्रू होगा ना तो बस उसको चला देगा और चला के ख़त्म कर देगा, इस चीज़ को सेव नहीं रखेगा। तो मिसाल के तौर पे अगर यूज़र ने 10 दफ़ा इनपुट भेजा, ठीक है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में कि भाई लास्ट वाला ट्रू होता है, तो हर दफ़ा ये कितने सीपीयू साइकिल घुमाएगा, एक सीपीयू साइकिल, दो सीपीयू साइकिल, तीन और चार, चार सीपीयू साइकिल हर दफ़ा घुमाएगा ये 10 दफ़ा में, तो ये कितने सीपीयू साइकिल घुमा दिए इसने, 40 सीपीयू साइकिल घुमा दिए। ये इमेजिनरी एक साइकिल होता है, वैसे तो ये वाला कंपैरिजन जो है वो जावास्क्रिप्ट एक साइकिल में नहीं करता, एक से ज़्यादा साइकिल, लेकिन इमेजिनरी मैं बता रहा हूँ जो एल्गोरिथम एनालिसिस के अंदर ये यूज़ करते हैं कि भाई T1 क्या एक टाइम होगा एक सर्टेन जो भी ले रहा है सीपीयू उसको चलाने में। अच्छा ऑन अदर एंड अब देखो यही चीज़ स्विच के अंदर वही चीज़ आती है कि भाई अबाउट बंदे ने बोला 10 दफ़ा इनपुट आया, तो ये पहली दफ़ा इनपुट आने से भी पहले, जो पहली दफ़ा जब इनपुट आएगा उससे भी पहले इसका ना एक मैप बना लेते हैं, इसका एक मैप बना लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, सी लैंग्वेज में एक चीज़ होती थी गो टू लाइन नंबर, अगर किसी को सी लैंग्वेज का पता है तो, कोई है यहाँ पे जिसका सी लैंग्वेज का बैकग्राउंड है या थोड़ी बहुत पढ़ी है, यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाते हैं, अबे मगर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं गो टू नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन सी लैंग्वेज अगर पढ़ाई भी होगी ना गो टू नहीं पढ़ाया होगा आई एम श्योर। हाँ तो वो गो टू क्या करता है कि आप गो टू कहते हैं 67, तो वो कोड कहीं भी होता है ना उड़ के वो 67 पे चला जाता है, मतलब 35 पे है कहीं भी है वो, मैंने कहा गो टू 67 तो वो उड़ के ना 67 पे चला जाता है, तो वो एक्चुअली इसका जो मैप होता है ना वो कुछ इसी तरह का होता है, वो देखता है कि अच्छा यार होम जो है ना 33 पे पड़ा हुआ है, गैलरी 37 पे पड़ा हुआ है, 41 पे पड़ा हुआ है और 44 पे पड़ा हुआ है, तो ये इसकी एक मैपिंग कर लेता है। जैसे दोस्त ने कहा था कि पाइथन में जो डिक्शनरी जिस तरह काम करती है ना, अब वो डिक्शनरी अभी हमारे पास उसको कहते हैं जेसन, अभी तक हम वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, वहाँ तक पहुँचेंगे तो शायद ये मज़ीद क्लियर हो जाए बात। तो वो क्या होता है कि आप डायरेक्ट वो कहता है कि भाई आप सीधा जाओ लाइन नंबर 44, जैसे ही यहाँ पे उसको मिलता है ना अबाउट, वो कहता है सीधा लाइन नंबर 44 में उड़ते हुए चलूँगा, ये दरमियान की चीज़ों को चेक नहीं करता। लिहाजा क्या होगा कि अगर 10 दफ़ा बंदे ने सेलेक्ट किया ना अबाउट और स्विच पे आई स्टेटमेंट, तो एक सीपीयू साइकिल ही घूमेगा, तो 10 दफ़ा पूछा तो 10 सीपीयू साइकिल, तो एक तरफ 40 साइकिल है एक तरफ 10 है, ठीक है। तो ये होता है, अच्छा ये थ्योरी की बात है, प्रैक्टिकली थोड़ा मुख्तलिफ होता है क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, ठीक है, इस वजह से ये थ्योरेटिकली बात तो ट्रू है लेकिन प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ख़ासतौर पर गूगल क्रोम के अंदर, ठीक है। सफारी में तो अपोजिट है, इफ एल्स ज़्यादा तेज़ है, अब क्योंकि ये नए वाले ब्राउजर्स जो है ना ये स्मार्ट हैं, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ये, जब स्विच स्टेटमेंट लिखा गया था तो ये 90s में जब सी लैंग्वेज बनी थी उस वक्त लिखा गया था, सही है। सी लैंग्वेज को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं, उसका रीज़न यही है कि ये जितना सिंटैक्स हम पढ़ रहे हैं ना ये सब सी वाला सिंटैक्स है, स्विच स्टेटमेंट, फंक्शन, वेरिएबल बनाने का तरीका, बूलियन और ये सारा सब सी लैंग्वेज का बनाया हुआ कॉन्टेक्स्ट है। इससे पहले जो होती थी ना वो बेसिक लैंग्वेज होती थी, अगर किसी ने देखा हो GW बेसिक तो उसका लिखने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होता है, तो सी लैंग्वेज से पहले जो प्रोग्रामिंग होती थी ना वो GW बेसिक स्टाइल में होती थी, वो लाइन नंबर पे बेस करते थे टोटली और वो एक बहुत अलग चीज़ थी वो। तो ये वाला जो सिंटैक्स है ना अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सी लैंग्वेज वाला सिंटैक्स है, तो इसी वजह से सी को मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। तो अब सी के वक्त में सिंटैक्स बना दिया, लोग इससे फेमिलियर हैं, लेकिन अंडर द हुड ना अब चीज़ें चेंज हो गई हैं, अंडर द हुड क्योंकि ज़ाहिर है ऊपर का सिंटैक्स चेंज करेंगे तो प्रोग्रामर्स जो है वो तंग होंगे, लेकिन अंडर द हुड वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मे बी मुझे ऐसा लगता है कि सफारी में इफ एल्स इस वजह से तेज़ है क्योंकि अगर हम इफ एल्स भी लिखते हैं ना तो उसको वो इंटरनली कन्वर्ट कर लेता है स्विच में, मे बी, क्योंकि आइडियल तो यही होगा ना तरीका कि बंदे ने इफ एल्स लिखा है अगर तो इसको कन्वर्ट करना तो मुश्किल है क्या, तो वो मे बी क्या करता है कि इफ एल्स को कन्वर्ट कर लेता है अंदर, ठीक है। मे बी इफ एल्स नाम की कोई चीज़ अब अंडर द हुड एग्जिस्ट ही नहीं करती, अंदर स्विच ही चलता हो, मैपिंग ही चलती हो, ठीक है, मे बी। तो इस तरह का कोई रीज़न हो सकता है जो अंडर द हुड जो चल रहा है, लेकिन वैसे अब बेंचमार्क कैसे चलाते हैं ना ब्राउज़र का, वो ये ब्राउज़र बेंचमार्क के ना दो तीन
वो आ नहीं रहा अभी वो वाला जिसको मैंने यूज़ किया था, जावास्क्रिप्ट बेंचमार्क के लिए। हाँ ये आ गया, ठीक है। जे एस बेंच और ये जे एस बेंच, ये दो तीन हैं ये बड़े फेमस हैं, बेंचमार्क डॉट जे एस करके। अब इसमें क्या होता है कि आप दो तरफ लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और वो दोनों का कंपैरिजन होता है कि ब्लॉक वन और प्लस करके नीचे ब्लॉक टू। अब इन दोनों में आप कोड लिखते हैं और इसको आप करते हैं रन, ये वाला रन दबाते हैं, तो वो क्या करता है दोनों ब्लॉक ऑफ कोड को ना चलाता है इस ब्राउज़र के ऊपर और बताता है कि कितना स्कोर आया उसका। तो जितना ज़्यादा स्कोर है मतलब उतना फास्ट चला है वो। तो ये सफारी पे और गूगल क्रोम पे एक दफ़ा तसल्ली से बैठ के मैंने इसको रन किया था इसी चीज़ को लेके, इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट को लेके। तो इसको आप भी रन करके देख सकते हैं, लेकिन ये ब्राउज़र टू ब्राउज़र वेरी करेगा, किसी में स्विच आगे निकल जाएगा, किसी में इफ एल्स आगे निकल जाएगा, और ये ओएस टू ओएस भी वेरी करेगा। अगर आप लिनक्स पे हैं या मैक पे या विंडोज़ पे हैं तो उससे भी ये स्कोर डिफरेंट आएगा, ठीक है। क्योंकि ब्राउज़र ऑन द टॉप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है ना, ब्राउज़र डायरेक्ट प्रोसेसर से बात नहीं कर सकता, ब्राउज़र जो भी बात बतानी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आगे कहानी पहुंचाता है। तो ये इसी वजह से ये भी कहते हैं कि जब कंप्यूटर में जो कुछ भी चल रहा है ना आप उसको बंद कर दें, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो शेयर करता है, इक्वली शेयर करता है सब चीज़ों के साथ, तो वो आपको रोकेगा फिर दूसरे को टाइम देगा वो, तो स्कोर उससे भी डिफरेंट आएगा। तो वो सारी चीज़ें कहता है कि आप ये बंद कर दो, सिर्फ एक ब्राउज़र चल रहा हो और फिर आप ये स्कोर रन करो, फिर आपको सही स्कोर मिलेगा। नमाज का टाइम हो गया अभी भेजता हूँ। अच्छा जी, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ लिया है, नंबर के और स्ट्रिंग के मेथड्स थोड़े से डिस्कस हो गए आज हमारे। अच्छा, और अभी अगला काम हमने ये करना है कि ये जो परसेंटेज कैलकुलेटर हमने बनाया था कल, ये स्विच स्टेटमेंट में कैसे इसको लिखा जाएगा ये हमारा अगला काम है। लेकिन अभी आप नमाज़ पढ़ने चले जाएँ सब लोग, टाइम हो गया, वापस आके हम ये वाला काम करते हैं चालू।